सात दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी, सात दिन के अंदर पूजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है एक के बाद एक रैपिड फायर राउंड चल रहा है भारत में और सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है। व्यास जी का तहखाना, वहाँ पर पूजा की अनुमति पुनः एक बार आज मिल गई है। हम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बुतों की पूजा तो हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ये अनुमति माता सिंगार गौरी की, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि सात दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो अभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। हिंदू पक्ष ने अदालत में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी और अब अदालत ने निर्णय हिंदू पक्ष के अधिकार में सुना दिया। इन्हें पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को फुल फ्लेज राइट्स हासिल है। आप चर्च को अगर मस्जिद बना दें तो ठीक है। अब पूरी तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है। और अगर मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए तो वो गलत है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के लिए कोई राइट्स नहीं है। ये किस किस्म की सोच है? ये समझ में ना आने वाली बात है। हमारे जितने भी मुल्ले मौलाना हैं, उनका जो मोराल है, उनके जो जिसको हम कहते हैं दमखम है, वो टूटता जा रहा है। ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पड़ा कोई नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं। ये हिंदू ने मैं ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। हिंदुओं का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखे मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा अलहदा ना। एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा तो हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पड़ा कोई नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं। ये हिंदू ने मैं ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है, मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती मस्जिद। तो ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। अच्छा। हाँ उनको फिर। अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती ना। जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना। हाँ, अच्छा चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं, नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान है मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज के दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जब ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था तो इस तहखाने को भी, जो तहखाना आज चर्चा में है जहां पर इसको बोला जाता है व्यास जी का तहखाना, वहां पर पूजा की अनुमति पुनः एक बार आज मिल गई है। यह अनुमति आरती करता किसकी? माता सिंगार गौरी की। याद आ गया, अब आप सबको पता ही होगा। तो वो 1551 से ये जो हाथा था, यानी हाथे के अंदर का जो ये पोर्शन था, ये व्यास पीठ के पास था और वो यहां पूजा भोग आरती अपना सब करते आ रहे थे और लोग आराम से जाते थे और यहां पर पूजा होती थी। अब ये बंद क्यों हुआ? जब 1992 में 6 दिसंबर की घटना हुई अयोध्या में, उसके बाद यहां पर उस टाइम सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह जी की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को हलफनामा जो उन्होंने दिया था उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार यहां पर गिरा दी। जब गिरा दी और चुनाव हुए तो यहां के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी, और मुलायम सिंह जी की सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते जो माता सिंगार गौरी की व्यास जी के तहखाने की में
जो पूजा हो रही थी माता सिंगार कौरी की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला मार दिया। व्यासपीठ का जो वहां पर पुरोहित या पंडित जी थे, जो परिवार था, उनसे कहा तुम लोग सब आगे बढ़ो, यहां अब पूजा होनी बंद, और उन जगहों को बैरिकेडिंग कर दिया गया। जब सर्वे में इन्हीं तहखानों का जब सर्वे हुआ तो अंदर से घंटी, डमरू, कलश, पान के पत्ते, कमल, पुराने पिलर, उसके साथ में कुछ नए पिलर, सब वहां पर सर्वे में देखने को मिले जो उस रिपोर्ट में दिए गए। तो अब जब उसके आगे जाकर जब यहां पर चाबी मांगी गई, तो आप लोगों को याद होगा एक तहखाने की चाबी, तो पंडित सोमनाथ व्यास जी से वो चाबी ली गई। तो ये मुलायम सिंह जी ने यहां पर जो ताला लगवाया था और यहां पर जो पूजा से 30 साल पहले बंद करवाई थी, वो इसलिए करवाई थी कि अयोध्या जैसी कोई घटना काशी ज्ञानवापी पर भी ना हो जाए, क्योंकि पूजा के लिए लगभग मानिए प्रेमिसेस के, जो मस्जिद का प्रेमिसेस है उसके अंदर आकर ये पूजा होती थी। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द मस्जिद, पश्चिमी साइड मस्जिद की, और वहीं पर माता श्रृंगार गौरी जी विराजमान थी। एक वर्ग को, स्नातनी वर्ग को अवेयर भी कर दिया और आज आक्रामक भी कर दिया, जो ये देखने को, ये लोग देखने को मिल रहा है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब बांसुरी नहीं, अब मुरली नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा ज्ञान वापी और मथुरा लेने के लिए। यार दे दो इस जगह को भैया, बिल्कुल तुम्हारी नहीं है, चीख चीख के कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूं। कौन से तहखाने, कहां से उसमें डमरू, कहां से उसमें कमल, कौन सी मस्जिद बनी जिसमें 10 तहखाने थे मेरे भाई। इतना सा बस वीडियो था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ 1993 में, सरकार ने किया 1991 में आने के बाद, और इस जगह को वीराना कर दिया। हिंदू पक्ष को, विष्णु जैन भाई को, सबको एक बार लाख लाख पुनः लाख लाख बधाई कि जो आपके साथ सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर 30 साल पहले अन्याय हुआ था, आज आपने वो लड़ाई जीती है। अपील हो सकती है, जब अपील होगी तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो हम सबको मानने होगा, लेकिन फिलहाल आप सभी स्नातियों को, सभी हिंदू भाइयों को लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। 30 साल पहले जो आपके साथ अन्याय हुआ था, जो एक चल एक जो एक एक स्थान को, एक माता के स्थान को जहां जाके पूजा करते थे, उसमें ताला मार के उस परिवार को, व्यासपीठ को वहां से भगा दिया गया था। अयोध्या के मामले ने निर्णायक मोड़ तब लिया था जब वहां पर ताला खुला था और पूजा आरंभ हुई थी। 1986 में वो कार्य राजीव गांधी जी ने कराया था, जिसका क्रेडिट लेने में शर्म आती है आज कांग्रेस को। आज जो यह निर्णय हुआ है कि व्यास जी के तहखाने में आप पूजा आरंभ कर सकते हैं, यह उसी तरह जैसा अयोध्या में हुआ था, उसी तरह ये ताला खुलने वाला जो अयोध्या का मामला था, उसी के समकक्ष आज का यह निर्णय है। और इसलिए आज मैं पूरी तरह से आपको यह कह सकता हूं कि अब पूरी तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है कि भाई ये ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान अब हिंदुओं को मिलने वाला ही है।